जो 90% ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, यू नो वो लोग खुश नहीं है, कहीं ना कहीं यू नो जद्दोजहद चल रही है उनके लाइफ में, जो चीज वो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रही है, जिस चीज पे वो काम कर रहे हैं वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है. बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपने ऑफिसेज में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम शाइन पर्ल, योर फेवरेट यूट्यूबर. ये बोलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए यू नो बेयर विद मी. ओके, सो आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू अनलॉक योर पावर. तो ये पावर क्या है, यू नो एवरीबडी नीड टू आस्क दिस, और आपको पूछना चाहिए कि ये पावर है क्या. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो 90% ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, यू नो वो लोग खुश नहीं है, कहीं ना कहीं यू नो जद्दोजहद चल रही है उनके लाइफ में, जो चीज वो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रही है, जिस चीज पे वो काम कर रहे हैं वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है. बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपने ऑफिसेज में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है. एंड टू दैट 10% जो हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, तो हम आज उनके सीक्रेट के बारे में जानने वाले हैं, उनके पावर के बारे में जानने वाले हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस पावर का यूज करके वो चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है. सो दिमाग की बत्ती जलाएं और ये चीज सुने जरूर, ठीक है, कि क्या होता है ये पावर, और ये पावर कैसे वो 10% लोगों में ही होता है, क्या आपको बाहर से सीखना पड़ता है. नहीं, इट इज ऑलरेडी विथ यू, यू आर बॉर्न विथ दैट पावर. लेकिन हम उस चीज का इस्तेमाल करना नहीं जानते, इस वजह से हम लोग अभी भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं. जैसे कि जब मुझे ये पावर के बारे में पता चला, जब मुझे पता चला कि यार मैं इस चीज ऐसी ऐसी चीजें करने से मैं अपनी लाइफ में यू नो आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ थिंग्स, व्हाट एवर आई वांट इन माय लाइफ, जो मैं चाहती हूं वही होता है. जब मैंने इस सच को समझा, उसे एक्सेप्ट किया, माई लाइफ इंटायरली चेंज्ड. बिलीव मी, माई लाइफ इंटायरली चेंज्ड. तो जिस तरीके से मैंने अपने लाइफ को बदला है, तो वही चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूं. तो मेक श्योर कि आप इस चीज को समझे और अपने लाइफ में अप्लाई करें, क्योंकि बहुत जरूरी है. कि जैसे कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि आपके घर के पार्किंग लॉट में एक कार पड़ी हुई है और आपको चलाना नहीं आता है, तो व्हाट विल हैपन, वो कार वहीं रहे रहे वहीं सड़ जाएंगी. द सेम वे अगर आपके पास पैसा है, बहुत सारी दौलत है, और मैं आपसे कहूं कि आपको यूज करना है उसे, लेकिन आप यूज करना ही नहीं जानते, तो क्या होगा, आप एक लैविश लाइफ या आप कोई भी चीज नहीं खरीद पाओगे उस चीज से. जो भी आप चाहते हो, आप हमेशा उस यू नो स्कैर्सिटी माइंडसेट में ही यू नो घुट घुट के आप वहीं पे खत्म हो जाओगे. सो ये जो पावर की मैं बात कर रही हूं आपसे, ये आपके ही अंदर है, बस आपको जानना जरूरी है. क्योंकि जो चीज आप जानते हैं, वो चीज को आप अप्लाई करने में आसानी होती है, और वही चीजों को आपको अप्लाई करना है ताकि आप अपने लाइफ में सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकें. अगर मैं आपसे पहले सबसे पहले मैं आपको पूछूं कि क्या आप अपने लाइफ सिचुएशन से खुश है, क्या आप उसे बदलना चाहते हैं, और आपका अगर आंसर है कि नो आई एम नॉट हैप्पी एंड आई रियली वॉन्ट टू चेंज दैट, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू. बिकॉज हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सोच रहे होते हैं लेकिन वो चीजें हो नहीं रही होती है, क्योंकि हमें वो तरीका नहीं पता है. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स बिकम्स वाटर, ये एक लॉ है, आप कहोगे हाँ ये एक लॉ है डेफिनेटली. अगर मैं 2 हाइड्रोजन लेता हूं और 1 ऑक्सीजन लेता हूं, तो ऑब्वियसली वो पानी ही बनना है. अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी चीज हीट करने पर एक्सपैंड करती है, फिर वो कहीं का भी स्टील हो, वो चाइना का स्टील हो, वो इंग्लैंड का स्टील हो, वो अमेरिकन स्टील हो, या कोई भी वो, या वो इंडियन स्टील हो, उसका काम ही वो है. तो हमारा जो नेचर है वो एक एक लॉ पे, एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है. जो हमारा दिमाग है वो भी एक लॉ पे गवर्न होता है. उसका लॉ क्या है? लॉ ऑफ बिलीफ. So I'm going to tell you how to use your law of belief, how to reprogram your subconscious mind. क्योंकि आप जो भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस तरीके के लोगों के साथ आप हो, जिस तरीके की रिलेशनशिप में आप हो, जिस तरीके के पैसे आपके लाइफ में है, ये क्या है? ये आपका रिस्पॉन्ड है. अबाउट वॉट? अबाउट द थॉट्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड.
अगर इतने भारी शब्द मैं ना यूज करूं और बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊं, तो जो भी आप सोचते हैं वो चीजें आपके लाइफ में होती है। जिस सोच को आप ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वही चीज, जिस तरीके से अगर मैं कहूं कि आपके पास दो कुत्ते हैं, ठीक है, यू हैव टू डॉग्स, टू पेट्स, आपने एक को अच्छा खाना खिलाया और दूसरे को खाना ही नहीं खिलाया, आपने सिर्फ एक ही से प्यार किया, दूसरे से प्यार ही नहीं किया, तो क्या होगा, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली मर जाता है और एक वाला हेल्दी रहता है, लाइफ एंजॉय कर रहा होता है, आपके साथ खुश रहता है। द सेम वे यू हैव टू मेक श्योर कि आप जितने भी बैड थॉट्स है उसको अपने लाइफ से हटा दे, क्योंकि ये जो बैड थॉट है, ये बैड थॉट पैटर्न है, वो आपके लाइफ को या आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस को खराब कर रहा है। आप जो चाह रहे हो वो चीजें नहीं हो रही है, बिकॉज आप सिर्फ और सिर्फ बुरी चीजों के बारे में सोच रहे हो, बुरे रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो। अगर मैं आपसे अभी कहूं कि आपको एक वीडियो प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप सोचेंगे अरे यार लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, मेरे बॉस को ये चीज अच्छी लगेंगी कि नहीं लगेंगी। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने दिमाग में डाउट्स क्रिएट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आपको ये लग रहा है कि लोगों को पसंद नहीं आएगा जो भी आप करोगे। इससे क्या होता है, एक फियर डेवलप्ड होता है, और फियर क्या करता है, फियर इज द लीस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी जो आपको कंप्लीटली अपने लाइफ से डिस्ट्रॉय कर देनी है, डिसेबल कर देनी है उस फीलिंग को। तो ये कैसे होगा, आपके थॉट प्रोसेस का, आपके थॉट पैटर्न्स को चेंज करने से होगा। आप जब अपने थॉट्स को आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने लगेंगे, क्योंकि आप यू शुड कंट्रोल योर माइंड शुडंट कंट्रोल यू, यू आर द बॉस, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस चीज को, आपने अपने वो बॉसीनेस को, अपने डोमिनेंट नेचर को अगर आपने हावी कर दिया, इम्पोर्टेंस देना शुरू हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो भी थॉट है आपके, ये कंट्रोल में आ जाएंगे, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और एक बार आपका माइंड कंट्रोल में आ गया, तो क्या होगा, आप कोई भी चीज अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन एक रिस्पॉन्ड होता है आपके सबकॉन्शियस थॉट्स का, और सबकॉन्शियस थॉट्स क्या होते हैं, ये बिलीफ होते हैं। जिस तरीके की चीजों को आप बिलीव करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मैं और मेरे हस्बैंड कल वी वर वॉकिंग और वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि यार देखो, लोग कहते हैं कि पैसा अगर आपके लाइफ में ज्यादा हो तो बीमारियां ज्यादा होती है। लोगों के ऐसे थॉट प्रोसेस है, अगर मैं ज्यादा कमाने लग जाऊं तो मेरे पैसा खुशियां नहीं लाता है, पैसों के वजह से थिंग्स आर गेटिंग रॉन्ग, क्योंकि आप पैसों के पीछे भाग रहे हो तो आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं रहोगे, आप अपने लाइफ में खुश नहीं रहोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बनी बनाई बातें हैं जिन पे आपको विश्वास नहीं करना है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए सही है। अगर आपको लगता है कि पैसा आपके लिए अच्छी चीज है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि पैसा बुरी चीज है, उससे डिफिकल्टीज आती है, उससे प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो डेफिनेटली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अट्रैक्टिंग दैट इनटू योर लाइफ। तो जब भी आपके पास कभी पैसा आता भी है, तो क्या होता है, आप अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डिप डाउन हो रहे होते हो। तो ये आपके बिलीफ है कि आप किस तरीके के बिलीफ रखना चाहते हो, कि आप उस पर यकीन मानते हो या नहीं मानते हो। अगर आप यकीन मानते हो तो वही चीजें आपके लाइफ में होंगी। अगर मैं सोचती हूं कि यार मुझे देयर इज रेड हॉर्स, तो मुझे कहीं ना कहीं से सबकॉन्शियस माइंड उस चीज पे फोकस करते करते वो चीज मेरे लाइफ में, ऐसी एक्सपीरियंसेस लाइफ में मेरे आएंगे कि मैं रेड हॉर्सेस देखूंगी, आइदर ऑन टीवी, आइदर ऑन स्ट्रीट और एनीवेयर। सबकॉन्शियस माइंड का काम ही ये होता है कि जो आप सोच रहे हो कि ये सच है, वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि आपके बिलीफ और ज्यादा स्ट्रांग होने लगते हैं, और फिर आप वो बिलीफ को बार बार बोलने लगते हो लोगों के साथ। और जब आप बार बार बोलने लगते हो, तो आप क्या हो रहा है, आप उसको एग्जिस्टेंस में ला रहे हो। जब आप किसी गलत चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप अच्छी चीजों को भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, उतने ही आसानी से जितने आसानी से आपने गलत चीजों को अट्रैक्ट किया। द सेम वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बिलीफ का होना आपके लाइफ में कितना पावरफुल हो सकता है, और उसको चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो। आपको अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनानी है,
और वो कैसे आपको करना है। आपको किसी भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। लोग कहते हैं यार अगर जब तक कि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे अच्छी चीजें आपके लाइफ में नहीं आएंगी। नो, यू नीड टू बी ओपन। वो उनके थॉट है, वो उनकी सोच है, आपकी सोच क्या है। मुझे लगता है कि जब मैं कंफर्ट जोन में रहती हूँ मैं ज्यादा अच्छी चीजें ट्रैक करती हूँ, क्योंकि मैं रिलैक्स मोड में रहती हूँ, मैं पीसफुल मोड में रहती हूँ। और जब आप पीसफुल मोड में रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक अलाइनमेंट में रहते हो, आप वोर्टेक्स के अंदर रहते हो। तो अगर मैं ये सोच रही हूं कि मुझे अपने पास्ट की चीजों को सोचना या उससे को रिलेट करना अच्छा लगता है, तो डू इट मोर एंड मोर। जो चीज आपको अच्छी लगती है वही आप करिए। जरूरी नहीं है कि आप दूसरों का देखकर, अब मैंने आपको कुछ कहा है तो आप वही चीज आप आंख बंद करके विश्वास कर ले। नहीं, ये गेम ही ऐसा है, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा फील करना है। आइदर यू थिंक अबाउट पास्ट, आइदर यू थिंक अबाउट फ्यूचर, आइदर यू थिंक अबाउट योर प्रेजेंट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन फीलिंग गुड। निविल गॉडर्ड का भी कहना यही है, फीलिंग इज द सीक्रेट। जब आप कोई चीज को सोच रहे हैं और अच्छा फील कर रहे हैं तो ज्यादा सोचे, ज्यादा अच्छा फील करे, तो क्या होगा, आप एक अलाइनमेंट में आते हो। क्योंकि वाइब्रेशन एक ऐसी चीज है जिसे नहीं पता है। अगर मैं सपोज मुझे एक यू नो एक फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट एनी मर्सिडीज कार इन माई लाइफ, सो वॉट आई हैव टू डू, आई हैव टू थिंक पॉजिटिव अबाउट माई होंडा सिटी, यू नो, बिकॉज दैट्स अ फर्स्ट कार आई मैनिफेस्टेड इन माई लाइफ। जबकि मुझे कार के बारे में पता भी नहीं था, बस मेरे थॉट प्रोसेस ये थे कि आई एम लिविंग इन दिस वर्ल्ड वेर आई हैव अ लग्जूरियस कार। सो मेक श्योर कि आप उस चीज के बारे में अच्छा फील करें। अगर आपको लगता है कि मैं मर्सिडीज के बारे में अच्छा फील कर रही हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो चीज अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे। फीलिंग गुड इज इम्पॉर्टेंट रादर देन फीलिंग। अगर आपको सपोज पैसों से रिलेटेड अगर मैं ये बात कहूँ या किसी बिजनेस से रिलेटेड मैं ये बात कहूँ, आपको लग रहा है कि जब जब आप उस बिजनेस डील के बारे में सोच रहे हो तो आपको डर लग रहा है, आप एंजाइटी फील कर रहे हो, मेक श्योर यू थिंक अबाउट योर पेट, यू थिंक अबाउट फ्लावर्स, यू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। क्योंकि फील गुड करना ही इम्पॉर्टेंट है। और जब आप फील गुड करते हैं तो क्या होता है, पैसा भी आता है और सारी चीजें जो आप चाहते हो वो भी आपको मिलती है। सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा फील करना है। अगर आप अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो और आप यू नो बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच रहे हो और आप चाहते हो कि अच्छी चीजें आपके लाइफ में हो, अच्छा पार्टनर आपके साथ हो, तो आपको क्या करना है, आपको बैड एक्सपीरियंसेस को हटा के आपको जो अच्छी चीजें आपके रिलेशनशिप में हुई थी आपको वो सोचना है कि क्या क्या चीजें आपके लाइफ में अच्छी हुई थी जिससे कि आपका लव रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ था, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई थी। तो आप क्या करते हो, उस तरीके की एनर्जी को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अगर जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन वो क्या होता है, कंटिन्यूसली ऑब्सेसिवली दे आर लाइक यू नो दे आर थिंकिंग अबाउट मनी कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन आप फील क्या कर रहे हो। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो स्टॉप डूइंग दैट। थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, थिंक अबाउट योर किड्स, थिंक अबाउट समथिंग, जस्ट एलिवेट योर मूड। आप अपने मूड को अच्छा करें, आप अच्छा फील करते रहे दिन भर, तो आप ये देखोगे कि आप एक वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रहोगे और जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। वॉट इज योर प्रेयर? प्रेयर इज द आंसर्ड अबाउट द थॉट्स यू आर कैरिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। जो भी चीज आप यू नो एक प्रेयर के थ्रू आप मांगते हो, प्रेयर्स अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट एंड स्टार्ट डूइंग इट बिफोर गोइंग टू बेड। बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रेयर करते हो या आप कोई चीज मांग रहे हो, मेक श्योर योर सबकॉन्शियस माइंड इज टोटली एक्टिव एंड योर कॉन्शियस माइंड इज टोटली शट डाउन। इफ यू आर डूइंग एफर्मेशंस एंड दैट एफर्मेशंस अगर आपको अच्छा फील नहीं करवा रहे हैं, स्टॉप डूइंग दैट, इवन दो दैट्स अ परफेक्ट एफर्मेशन दैट हैज बीन गिवन टू यू, या आपने सबसे बेस्ट एफर्मेशन किया है, आपने सही वर्ड्स यूज किए, आपने सभी चीजों को सही सही जगह पे, ब्लॉक्स को आपने रखा है, वर्ड्स को आपने रखा है, लेकिन आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो, देन डोंट डू इट, बिकॉज फीलिंग इज द सीक्रेट। फीलिंग गुड इज द सीक्रेट। जब अच्छा सोचते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो आप उस चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो चीजें आपको चाहिए। अगर मैं कोई चीज को नहीं चाहती हूं, वो चीज मेरे लाइफ में नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को इस तरीके से कंट्रोल किया कि जो मैं चाहती हूं वही होता है।
अगर आप किसी इंसान के बारे में बार बार बात कर रहे हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, तो वो इंसान आपके लिए अच्छा हो जाता है, वो इंसान आपके लाइफ में जल्द से जल्द अट्रैक्ट होता है. द सेम वे इफ यू आर टॉकिंग बैड अबाउट समवन, अगर आप किसी को स्पेसिफिक पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो और आप चाह रहे हो कि लेकिन आप डरे हुए हो कि यार वो पसंद करता है या नहीं करता है, आप अपने दिमाग को बिलीव दिलाएं कि वो पसंद करता है, वो आपसे ज्यादा आपको पसंद करता है, उसको आपकी हंसी पसंद है, उसको आपकी आपके गुड लुक्स पसंद है, आपके लंबे बाल पसंद है, या जो भी है, आपको वो चीज को यकीन दिलाना जरूरी है. जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलाने लगते हो कि वो इंसान आपके बारे में ऐसा सोच रहा है, तो क्या होता है, वो आइडिया जनरेट होता है उसके दिमाग में. बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वी आर पार्ट ऑफ नेचर. अगर आप किसी भी इंसान को, अपने स्पेसिफिक इंसान को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उसके बारे में अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा महसूस करे, देन व्हाट विल हैपन, मैजिक विल हैपन. तो अगर आपको ये चीज समझ आई होगी कि क्या खेल आपको खेलना है, आपको सिर्फ ये खेल खेलना है, आपको अच्छा महसूस करना है, पूरी दिन भर, हर रोज, हर महीने, हर साल आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा महसूस करना है, 2400 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा महसूस करना है, तो अगर आप ये खेल खेलते रहे तो आई एम श्योर यू विल अट्रैक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, बट मेक श्योर टू फील गुड अबाउट इट. सो टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय.